हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो काफी सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे पास रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जब भी हम नया प्रोडक्ट अपलोड करने की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कोशिश करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इतने सारे पैरामीटर्स, इतने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स उन कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल है कि उनको फिल करते करते ही हमें 10-15 मिनट लग जाते हैं या फिर कभी कभार सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। तो कोई ऐसा वे बताओ कि जहां पे हम इजीली उन पैरामीटर्स को फिल कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप नए फ्रेश लिस्टिंग करते हैं तो कैसे आप इजीली उन पैरामीटर्स को ऑटो फिल कर सकते हैं और अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कैसे आप प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नया फ्रेश लिस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पेयरिंग क्लोनिंग जब आप करते हैं ना तो वो तो इजीली आप कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर आप पेयरिंग क्लोनिंग कर सकते हैं जो भी एग्जिस्टिंग कैटलॉग है। बट जब आप नया प्रोडक्ट अपलोड करने जाते हैं ना तो आपको अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको पैरामीटर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो आपको मैन्युअली चूज करने पड़ते हैं। तो उसकी भी एक ट्रिक है कि किस तरीके से आप उसे स्पीड अप कर सकते हैं और इजीली अपना जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं कि वो ट्रिक किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो फ्रेश लिस्टिंग करते हैं ना वो इजी वे में कर सकते हैं। इजी वे मतलब अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब नॉर्मली आप लोग जब फ्रेश लिस्टिंग करते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर तो आपको एक एक करके सारे ही पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अपलोडेड है बट उसमें खाली आपको माइनर से चेंजेस करने हैं या फिर एक या दो प्रोडक्ट में, दो या पैरामीटर में है आपको चेंजेस करने, बट उसके लिए आपको पूरा ही प्रोडक्ट दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। और दोबारा सा प्रोडक्ट जब आप अपलोड करते हो तो उसमें होता क्या है कि हर एक पैरामीटर आपको दोबारा से फुलफिल करना पड़ता है, जो कभी कभार बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जिस कैटेगरी में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसमें काफी टाइम आपको उस प्रोडक्ट को फिल करने में लगता है, उस प्रोडक्ट को अपलोड करने में लगता है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिसमें आपको वो अपना जो टाइम है वो आप सेव कर सकते हैं और फटाफट 5 मिनट के अंदर उस प्रोडक्ट को आप अपलोड कर सकते हैं। तो करना क्या है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं सबसे पहले आप उस कैटेगरी के अंदर जाएंगे। अज्यूम करते हैं कि हमें रिवॉल्विंग चेयर अपलोड करनी है, तो रिवॉल्विंग चेयर वाली कैटेगरी के अंदर मैं जाता हूं। रिवॉल्विंग चेयर वाली कैटेगरी के अंदर जाने के बाद अब प्रोसेस वही सेम है, सेल इन दिस कैटेगरी करेंगे। सेल इन दिस कैटेगरी जब आप करते हैं तो सेल इन दिस कैटेगरी करने के बाद नया प्रोडक्ट अपलोड करने का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि नया प्रोडक्ट किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो, उस पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दोबारा से डाल देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि नया प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट हो सकता है वो आप उसको रेफर करके आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको नया जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपलोड करना है, फ्लोट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांड बताना होता है, जिस भी ब्रांड में आप अपना नया प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो वो ब्रांड आप सेलेक्ट करते हैं। Q3 और Q4 कैटेगरी हो और अनब्रांडेड का ऑप्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लास्ट में आपको यहाँ पे अनब्रांडेड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि एक एक करके आप ये सारे ही पैरामीटर्स आप सेलेक्ट करते हैं। जिस भी पैरामीटर पे आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। बट कभी कभार सिनेरियो ऐसा होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अपलोडेड है या फिर आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो उस केस में आप अपना काम कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे इन सारे पैरामीटर्स को ऑटो फिल कर सकते हैं और जो भी आपको माइनर से चेंज हो वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, जिस भी प्रोडक्ट के कैटलॉग का आप रेफरेंस ले रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा एक ये प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट के जो कैटलॉगिंग है, इसी प्रोडक्ट के जो पैरामीटर्स हैं मुझे अपने कैटलॉग में चाहिए, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ना यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशन। अब इस क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशन में मैं अपना जो वो कैटलॉग आईडी है, जिस कैटलॉग से मुझे स्पेसिफिकेशन कॉपी करने हैं, जिस कैटलॉग के मुझे टेक्निकल पैरामीटर्स अपने कैटलॉग में अपलोड करने हैं या फिर सेम टू सेम या फिर थोड़े से चेंजेस के साथ करने हैं, उसको आप यहाँ पे सेव करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि डू यू वॉन्ट टू क्लोन स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द कैटलॉग, यस सबमिट कर देंगे आप, तो सॉफ्टवेयर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैजिकली
सारे ही पैरामीटर्स जो उस प्रोडक्ट के हैं वो आपके इस नए प्रोडक्ट में डाल देता है। अगर अब इसमें आपको कोई भी माइनर से चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे विड्थ खाली चेंज करनी है अपने पैरामीटर में, अपने प्रोडक्ट पे, और कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करना, तो मैं इजीली यहां से कर सकता हूँ और आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रोसीड विद न्यू आइटम करोगे, इसके बाद का प्रोसेस है जो बिल्कुल सेम है। आप मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम डालेंगे और आगे का एमआरपी प्रूफ वगैरह अपलोड करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है ना, जहाँ पे पैरामीटर्स दोबारा से फिलफिल करने होते हैं, वहां पे भी उस कैटलॉग के पैरामीटर्स ऑटो फिल हो जाते हैं। अब जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को इजिली 5 मिनट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नया प्रोडक्ट अपलोड करना बिल्कुल नहीं आता, वो मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं। इस बीच अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी फ्रेश लिस्टिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, खाली आपको प्रोसीजर्स को फॉलो करना है ठीक से, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप फ्रेश लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट जेम टीम के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, सब कुछ ठीक से अपलोड होगा, तो इजिली 2 से 3 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट अपलोड हो जाता है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।